नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में अवैध रूप से नदियों के बालू का खनन करने वाले लोगों की करतूत से सरकारी राजस्व को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। इतना ही नहीं, इनका मनोबल इसलिए भी बढ़ जाता है जब स्थानीय प्रशासन की लापरवाही इन्हें खुली छूट का न्योता दे देती है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार कड़े नियमों को बनाकर कभी खनन माफियाओं तो कभी पुलिस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसती रहती है। मगर 3 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग में अवैध खनन के नियम बड़ा संशोधन करके नए नियम को जोड़ दिया है, जिसके नियम काफी ही सख्त है। इसके मुताबिक अब 25 गुना ज्यादा जुर्माना वसूलने और वाहन जब्त करने के साथ ही इस अवैध काम में लिप्त लोगों को पकड़ने का अधिकार भी पुलिस को दे दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में जो खनिज नियमावली 2019 के नियमों में संशोधन किया गया है, उस पर मुहर लगने के बाद यह पूरे राज्य में 6 जुलाई 2021 से लागू भी हो गई है। ऐसे में आपको हम इस नए नियम के बारे में इस वीडियो में हर जानकारी देंगे। खनिज नियमावली के इस नए संशोधन में दो बातें काफी खास है। पहली यह कि अब पुलिस को पूरा अधिकार होगा कि वे अवैध खनन के धंधे में लिप्त लोगों से जुर्माना वसूलने और वाहन जब्ती तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसमें लिप्त लोगों को भी छापेमारी कर सलाखों के पीछे पहुंचाएंगी। और दूसरी खास बात यह है कि इस धंधे में काम आने वाले वाहनों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अलग अलग श्रेणी में 25,000 से लेकर 4 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस वाहन के लिए कितना जुर्माने के रुपए को तय किया गया है। इसके तहत पहली श्रेणी के वाहन में ट्रैक्टर ट्रॉली आएंगे, जिसके मालिक से 25,000 रुपए हर्जाना वसूला जाएगा। दूसरी श्रेणी में मेटाडोर, हाफ ट्रक 407 व 608 को रखा गया है, जिसके मालिक से सीधे 50,000 रुपए जुर्माना लिए जाएगा। तीसरी श्रेणी में फुल बॉडी ट्रक व डंपर को रखा गया है, जिसका उपयोग अवैध धंधे में अगर होता है तो इनसे 1 लाख रुपए वसूले जाएंगे। इस लिस्ट के चौथी श्रेणी में 10 या इससे अधिक पहिए वाले गाड़ियों को रखा गया है, जिसके मालिकों से 2 लाख रुपए हर्जाना लेने होंगे। और पांचवे व अंतिम श्रेणी में क्रेन, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन को रखा गया है। इनके अवैध धंधे में लिप्त होने पर, इनके मालिकों को पकड़े जाने पर और जुर्माने के तौर पर सीधे 4 लाख रुपए हर्जाना देना होगा। खास बात यह है कि राज्य में अवैध खनन में बड़े बड़ी गाड़ियां ही शामिल नहीं होती हैं, बल्कि जब नदियों से बालू का खनन किया जाता है तो इसमें नाव व पानी वाले जहाजों की मदद से इस काम को किया जाता है। ऐसे में अगर नाव और जहाजों को भी अवैध धंधे में लिप्त पाया गया तो इनकी जब्ती के साथ ही इसके मालिकों पर सरकार की गाज गिरेगी और सीधे 25 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, जेल की भी हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि बिहार सरकार का खान एवं भूतत्व मंत्रालय इस मामले को काफी गंभीरता से देख रहा है। अवैध खनन से कई बार क्षेत्रों में बाहुबली का वर्चस्व बना रहता है, जो कि एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए नुकसानदेह है। इस धंधे से हमारे पर्यावरण को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है, साथ ही राजस्व को भी करोड़ों का चूना लग जाता है। नदियों में अवैध कटाव के कारण कई बार गंभीर हादसे के शिकार आमजन हो जाते हैं, इससे जान माल को भी नुकसान होता है। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा नए खनिज नियम का सख्ती से पालन होने पर इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।